जशपुर जिले के ग्राम बगिया में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर यहां छात्र छात्राओं के लिए खुशियों भरा दिन रहा, जहां एक और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया और जशपुर के माटी पुत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ शाला प्रवेश उत्सव में नव प्रवेशी बच्चों के अभिनंदन के साथ उन्हें उपहार देने के साथ ही मुख्यमंत्री साय ने 9वीं कक्षा में प्रवेशित छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया। छात्राओं ने साइकिल मिलने की खुशी सामूहिक रूप से साइकिल की घंटी बजाकर जाहिर की और मुख्यमंत्री साय का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी छात्राओं को अच्छे से पढ़ाई कर बेहतर परिणाम लाने के साथ अपने माता पिता और बगिया सहित प्रदेश का नाम रोशन करने की बात कहते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। और आज जितने भी नौ प्रवेशी बच्चों का हम लोग तिलक चंदन लगाकर उनको लड्डू खिलाकर उनको स्कूल बस्ता वगैरह देकर आज शाला प्रवेश कराए हैं, ऐसे सभी देश के कर्णधारों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और साथ ही साथ आज 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम में जो उत्कृष्ट हमारे बेटा बेटी हैं उनका भी हम लोग सम्मान किए हैं, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनका भी सम्मान किए हैं, और जो उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक वृंद हैं उनका भी सम्मान किए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, सबके में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 16 जून को हम लोग शाला प्रवेश उत्सव मनाते हैं, लेकिन इस साल गर्मी बहुत पड़ रही थी, अभिभावकों का लगातार फोन आ रहा था कि छुट्टी बढ़ा देना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ होगी, और इसलिए एक सप्ताह की छुट्टी हम लोग बढ़ा दिए थे, और फिर एक सप्ताह बाद स्कूल खुला और शाला प्रवेश का कार्यक्रम शुरू हुआ। और आज हम लोग यहाँ पर प्रदेश स्तर के शाला प्रवेश उत्सव में उपस्थित हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा हमारे बेटा बेटियों से, स्कूली भाई बहनों से, कि हमारा ये गांव है बगिया, यहीं मेरा जन्म हुआ है, और ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है पक्का का, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे पहली से पांचवी यहीं पर पढ़े, उस समय पक्का का स्कूल नहीं था, कच्चे दीवाल का स्कूल था, छानी खपरे का स्कूल था जिसमें हमने पढ़ाई की, और हर शनिवार को हम लोग घर से गोबर लाते थे, एक एक बालक एक एक बालिका सब घर से थोड़ा थोड़ा गोबर लाते थे, और हर शनिवार को फर्श की लिपाई करते थे, और साल में पूरे ग्रामवासी मिलकर वो छत का मरम्मत करते थे, और उसके बाद भी बरसात के दिनों में पानी टपकता था, जब कक्षा में बैठते थे तो उस समय टाटपट्टी वगैरह भी नहीं होता था, हम लोग घर से चटाई चटाई लेके आते थे, तो चटाई को इधर उधर खिसकाते थे, बरसात के दिनों में पानी टपकता था, तो वो दिन में हम लोग पढ़ाई किए हैं। और आज तो कितना विकास हो गया है, आज यहां प्राइमरी स्कूल था लेकिन यहां पर पांचवी बोर्ड का सेंटर नहीं था, हम लोग छेरा घोघरा यहां से 7-8 किलोमीटर दूर छेरा घोघरा में बोर्ड का परीक्षा दिए, उस समय हम लोग पढ़ाई किए हैं, और आज तो ये पक्का का रोड हो गया, सीसी रोड हो गया, उस समय सीसी रोड भी नहीं होता था, हम लोग आते थे स्कूल तो कई बार फिसल के गिर जाते थे बरसात के दिनों में,
कीचड़ में फिसल के गिर जाते थे, पूरा शर्ट पैंट भींग जाता था और वैसे हम लोग स्कूल बैठते थे। तो उस समय हम लोग पढ़ाई किए हैं, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आज काफी विकास हुआ है तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत लगा के पढ़ाई करिए। काहे कि मानव के जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मानव को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा और डिग्री लेना खाली नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मानव को एक अच्छे से अपना जीवन जीने के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। अच्छे से खेती करना है, अच्छे से समाज सेवा करना है, व्यापार करना है, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। और विद्वानों ने भी कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आप लोग देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा कैसे जीवन व्यतीत करता है और एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे जीवन व्यतीत करता है। निश्चित रूप से दोनों के जीवन में बहुत फर्क होता है, इसलिए ये शिक्षा का बड़ा महत्व है। और आज आप सब लोग जानते भी हैं कि हमारा ये देश विश्व गुरु रहा है। प्राचीन काल से ही शिक्षा का के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध रहा है हमारा ये देश। दुनिया के बच्चे हमारे देश में पढ़ने आते थे। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब में विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। विश्व गुरु कहलाता था हमारा ही भारत देश। प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व हमारे देश में है। आज हमारी सरकार ये शिक्षा अच्छा से अच्छा हो इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। एक तो नई शिक्षा नीति 2020 ये हम लोग छत्तीसगढ़ में लागू किए हैं। आपके गुरुजी लोग बताएंगे, आज वो सारा बताने का समय नहीं है कि नई शिक्षा नीति में क्या है, लेकिन नई शिक्षा नीति में लोकल बोली भाषा को भी महत्व दिया गया है। हम अभी नीचे देख रहे थे बच्चों के स्टॉल में किताब छपा है, जिसमें एक तरफ इस क्षेत्र में हम लोग जसपुर में सादरी बोलते हैं, तो किताब में एक तरफ सादरी है, दूसरी तरफ हिंदी है। उसी तरह से और आगे एक तरफ छत्तीसगढ़ी है, एक तरफ हिंदी है, एक तरफ गोंडी है, एक तरफ हिंदी है। ये नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान है ताकि बच्चे अच्छे से सरलता से विषय को समझ सकें। और एक पीएम श्री योजना भारत सरकार का है, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम श्री योजना नई शिक्षा नीति के साथ साथ स्कूल में हर तरह से अच्छा वातावरण बने, भवन अच्छा हो, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े, वहां शिक्षकों की समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए पीएम श्री योजना भारत सरकार का है और हमारे प्रदेश में भी उसका लाभ मिल रहा है। 211 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के पीएम श्री योजना के तहत में शामिल किया गया है। धीरे धीरे और भी स्कूल शामिल होगा। पीएम श्री योजना में